दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा आने वाले समय में और गंदा होने वाला है दमन, मुझे मरवा सकते हैं प्रधानमंत्री। आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल ने फेसबुक पर जारी किया वीडियो, कहा बौखला गए हैं मोदी, दिल्ली के सीएम ने उठाए सवाल, क्या सुरक्षित हाथ में है देश। केजरीवाल के संदेश पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, रमेश बिधूड़ी बोले काम कुछ करते नहीं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब की स्थिति वो हो गई है कि बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ और बन बैठा पंसारी। दिल्ली के छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर की बड़ी मुश्किल, एमएलए के घर इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली में करतार सिंह के 11 ठिकानों पर छापेमारी, आप विधायक की 20 से ज्यादा कंपनियां, इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज। करतार सिंह तंवर के घर पर छापे के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मोदी जी ने सीबीआई एसीबी के बाद आयकर विभाग को पीछे लगाया। और रोचक हुआ दिल्ली में संसदीय सचिवों का मामला, चुनाव आयोग ने खारिज की दिल्ली सरकार, कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी बनाए जाने की याचिका। संसदीय सचिव के मामले में पार्टी नहीं बनेगी कांग्रेस, बीजेपी और दिल्ली सरकार, लेकिन जरूरी जानकारी ले सकता है चुनाव आयोग, 10 अगस्त को अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी की खुदकुशी केस में रमेश भारद्वाज नाम का शख्स गिरफ्तार, डाइंग डिक्लेरेशन में लिया था नाम। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को पंजाब की मलेरकोटला अदालत ने भेजा जेल, पवित्र ग्रंथ की बेइज्जती के आरोप में 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत। आम आदमी पार्टी के महिला विधायकों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर माथापच्च। दिल्ली सचिवालय के बाहर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार को घेरा। वीडियो केस में कल लोकसभा कमेटी के सामने पेश होंगे भगवंत मान, समिति ने खारिज की वकीलों के साथ पेश होने की याचिका। बेटी के बचाव में सामने आकर सुर्खियों में छाई स्वाति सिंह के खिलाफ दर्ज है महिला उत्पीड़न का केस, दयाशंकर सिंह की पत्नी पर भाभी से मारपीट का आरोप। महिलाओं को लेकर स्वाति सिंह ने दी सफाई, आज तक से कहा 8 साल पुराना है मामला। झारखंड के देवघर से सामने आई दयाशंकर सिंह की ताजा तस्वीरें, शनिवार को बीजेपी के पूर्व नेता ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। दयाशंकर सिंह की तस्वीर सामने आने के बाद मायावती ने उठाए सवाल, पूछा बीजेपी शासित राज्यों में आराम से कैसे घूम रहे हैं दयाशंकर सिंह। बीएसपी के 2 और विधायक हुए बागी, मायावती पर लगाया पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप, बोले मांगा गया 5 करोड़ रुपया। राहुल को नहीं मिली लखनऊ में राजभवन तक मार्च की इजाजत, 29 को शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे कांग्रेस के उपाध्यक्ष। संसद में गूंजा मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिलाओं की पिटाई का मामला, विपक्ष ने बीजेपी से मांगे जवाब। उसकी औरत को उन्होंने इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी खुद सड़कों पर उतर कर आई, तो मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये सब सपा और बीजेपी की मिली भगत से। मंदसौर मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की सफाई, कहा शुरुआती जांच के मुताबिक भैंस का था मांस। मंदसौर में गोरक्षा के नाम पर हुई थी महिलाओं की पिटाई, गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर पुलिस की मौजूदगी में अत्याचार। नरसिंह यादव केस पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा में सुनवाई जारी, पाक साफ साबित होने पर शुरू होगी रियो भेजने की प्रक्रिया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बाहर नरसिंह यादव का शक्ति प्रदर्शन, पहलवान के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी। कम नहीं हो रही है नरसिंह यादव की मुश्किलें, 5 जुलाई को लिया गया दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया। नरसिंह की जगह दूसरे खिलाड़ी को रियो भेजे जाने को लेकर सस्पेंस, खेल मंत्री विजय गोयल बोले अब किसी को नहीं मिल सकता है चांस। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने खेल मंत्री के बयान को बताया गलत, बोले नरसिंह की जगह रियो जाएंगे प्रवीण राणा। नरसिंह यादव ने सोनीपत में दर्ज कराई शिकायत, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और उसके कुछ साथियों पर खाने में मिलावट करने का आरोप लगाया। नरसिंह यादव ने साई पर भी लगाया आरोप, बोले नहीं दिखाई गई सीसीटीवी फुटेज, बड़े लेवल पर प्लानिंग के साथ हुई साजिश। नरसिंह यादव के मां बाप ने भी जताई साजिश की आशंका, प्रधानमंत्री से की बेटे को रियो भेजने की अपील।
सुशील कुमार के कोच सतपाल ने की नरसिंह यादव के नार्को टेस्ट की मांग, कहा तभी सामने आएगा पूरा सच। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज पहली पुण्यतिथि, रामेश्वरम में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया आदमकद प्रतिमा का अनावरण। कलाम को श्रद्धांजलि देने बड़ी तादाद में रामेश्वरम में जुटे लोग, पूर्व राष्ट्रपति के हमशक्ल शेख मोइनुद्दीन ने बांधा समा। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम, केजरीवाल ने ममता को भेजा था न्योता। अन्ना हजारे ने की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, सीएम के सामने रखी पूरे महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग। 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसियों की नई आशंका, लाल किले पर मंडराया आतंकी ड्रोन का खतरा। 15 अगस्त को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है लश्कर और जैश के आतंकी, निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार की खास रणनीति। बिहार में वैशाली की अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी को सुनाया 11 अगस्त को हाजिर होने का फरमान, याकूब मेमन की फांसी के विरोध का मामला। उत्तराखंड में एक बार फिर चीनी सैनिकों की घुसपैठ, चमोली के बाराहोती में भारतीय सीमा में दिखी ड्रैगन की फौज। चीनी सैनिकों की घुसपैठ को गृह मंत्रालय ने नहीं दिया तूल, किरण रिजिजू बोले पुराने पोजीशन पर लौट गए दोनों देशों के जवान। घाटी में फिलहाल काबू में है हालात, पुलिस के मुताबिक श्रीनगर कुलगाम अनंतनाग को छोड़कर सब जगह सामान्य हालात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर अलापा कश्मीर का राग, कहा हर मंच पर उठाएंगे मुद्दा। बाहुबली नेता डीपी यादव को दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत दबोचा, सट्टा रैकेट चलाने को लेकर पूछताछ होगी। एक वीडियो में युवक की पिटाई करती दिखाई दे रही है तृप्ति देसाई, शादी तोड़ने के आरोपों में हुई धुनाई। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 50 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी में शाहजहांपुर अदालत ने एक शख्स को सुनाई फांसी की सजा, 3 साल पहले की थी नाबालिग लड़की की हत्या। मुंबई में बीच सड़क मंचले की पिटाई, महिला सेल्समैन से छेड़छाड़ के आरोप में एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर धूना। बच्चों की मौत के बाद भदोही में कम नहीं हो रहा है गांव वालों का गुस्सा, इलाहाबाद से वाराणसी जा रही पैसेंजर ट्रेन को रोककर लोगों ने हंगामा किया। दिल्ली में 3 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, पड़ोसी ने अगवा करके पत्थर से कुचला सिर, आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में धूं-धूं कर जली प्राइवेट बस, 3 लोगों की मौत, 8 घायल। यूपी के हाथरस में भाई ने कुल्हाड़ी से की भाई की हत्या, जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम देकर फरार। सामने आया पंजाब पुलिस का बेरहम चेहरा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दलित परिवार की पिटाई का वीडियो। लखनऊ में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी मोटर मैकेनिक गिरफ्तार। सूरत की डायमंड फैक्ट्री से 10 मिनट में 50 लाख के हीरों की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोर। मध्य प्रदेश के रीवा में अंधविश्वास की पराकाष्ठा, एक लड़की ने देवी माता के मंदिर में काटी जीभ, लेकिन भजन कीर्तन में जुटे रहे लोग। यूपी के अमेठी में महिला प्रधान के पति की हत्या के बाद इलाके में तनाव, चुनावी रंजिश में मर्डर का शक। गाजियाबाद में संदिग्ध हालत में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, गुस्साए छात्रों ने NH-24 पर लगाया जाम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज पर इनकम टैक्स का शिकंजा, कई जगहों पर छापेमारी। ग्वालियर से स्कूल बस ने 2-व्हीलर सवार 2 लोगों को कुचला, हादसे में बची दोनों की जान, सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। उत्तराखंड के देहरादून में सेल्फी लेने के चक्कर में गई युवती की जान, पुल पर चढ़कर तस्वीर लेते वक्त नदी के तेज बहाव में हादसा। अलवर में भिवाड़ी हाईवे पर कांवड़िए की मौत से गुस्साए लोगों का हंगामा, घंटों तक परेशान रहे मुसाफिर। यूपी में लखीमपुर खीरी के समाजवादी विधायक विनय तिवारी के फेसबुक पर किया अश्लील कमेंट, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार, दोनों के पास से लाखों की नकदी बरामद। कानपुर में मुंबई के युवक ने बैंक कर्मी से मांगी 10 लाख की फिरौती, भगवान को बताया 10% का भागीदार। यूपी के कन्नौज में पशु चोरी का विरोध करने पर 2 लोगों की पिटाई, 1 की मौत। दिल्ली सटे फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, शराब पीने से रोकने पर वारदात को दिया अंजाम।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किल, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर कई जगह भूस्खलन, हाईवे पर फंसे हजारों यात्री। जम्मू में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर करीब 5 फीट पानी, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से बढ़ी लोगों की परेशानी। झमाझम बारिश ने रोकी ग्वालियर शहर की रफ्तार, 3 घंटे में 6 सेंटीमीटर बारिश से पानी पानी हुआ पूरा शहर। भारी बारिश के बाद खोले गए होशंगाबाद में तवा डैम के गेट, छोड़ा जा रहा है करीब 23,000 क्यूसेक पानी। बाराबंकी में घट रहा है घाघरा का पानी, लेकिन खेतों पर मंडराया कटान का खतरा। असम में लगातार बिगड़ रहे हैं बाढ़ के हालात, 19 जिले प्रभावित, करीब 1.5 लाख लोगों पर असर। बिहार में भी बदतर हो रहे हैं बाढ़ के हालात, पूरे उफान पर है कोसी और कमला बलान नदियां, गांवों में भी बोट की मदद ले रहे हैं लोग। उत्तराखंड के श्रीनगर में उफनती अलकनंदा को पार करने के लिए ट्रॉली की मदद लेते हैं स्कूली बच्चे, हर रोज जान जोखिम में डालते हैं मासूम। यूपी के सहारनपुर में नदी के बीच टापू पर फंसे 8 गांव वाले, हेलीकॉप्टर की मदद से एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में जोरदार बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम, घंटों तक मुश्किल में फंसे रहे मुसाफिर। दिल्ली के आसमान पर पूरे हफ्ते बना रहेगा बादलों का डेरा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान। चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से रवाना हुए पाकिस्तान से आए 146 हिंदू, दोनों देशों की सरकारों का जताया आभार। यूपी के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द का सावन, मुसलमानों ने शिव भक्त कांवड़ियों के लिए लगाए कैंप। महाराष्ट्र में माडा के 972 फ्लैट्स के लिए करीब 1,70,000 लोगों ने किया आवेदन, 10 अगस्त को होगा फ्लैट के लिए ड्रॉ। मथुरा से कोसी के बीच टेलगो का एक और ट्रायल रन, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। 30 जुलाई से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए किंगस्टन पहुंची टीम इंडिया, पहले टेस्ट में शानदार जीत के बाद जोश में है टीम। जल्द ही गहने लेकर आ रहा है सलमान का बीइंग ह्यूमन, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होंगे गहने। दिल्ली से सटे नोएडा में सेंको गोल्ड के 77वें शोरूम का उद्घाटन, विद्या बालन ने मॉडर्न और अफोर्डेबल गोल्ड डिजाइंस को किया लॉन्च। बुधवार को 47 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 28,024 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 25 अंक बढ़कर 8,615 पर बंद। अप्रैल जून तिमाही में बजाज ऑटो के मुनाफे में 3.5% की बढ़ोतरी, पहली तिमाही में करीब 6100 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। अप्रैल जून तिमाही में HDFC का मुनाफा 37.5% बढ़ा, पहली तिमाही में HDFC ने कमाए 1,871 करोड़ रुपए। ई कॉमर्स के सहारे अगले 10 साल में देश में पैदा होंगे 1.25 करोड़ नए रोजगार, HSBC की रिपोर्ट में दावा। फंड जुटाने की कोशिशों में लगे सहारा ग्रुप के 3 विदेशी होटलों के लिए 8,700 करोड़ की बोली, आगे आई ब्रिटेन और पश्चिमी एशिया की कंपनियां। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लोगों का बड़ा प्रदर्शन, चुनावों में हेराफेरी को लेकर नाराजगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदे ने आईसिस को बताया यूरोप का सबसे बड़ा खतरा, नॉर्मैंडी में चर्च पर हमले के बाद बोले लंबी चलेगी लड़ाई। हिलरी क्लिंटन ने रचा इतिहास, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए बनी पहली महिला उम्मीदवार, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से लड़ेंगी चुनाव। पत्नी के उम्मीदवार बनने से गदगद हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, लोगों को सुनाए हिलरी के साथ रोमांस के किस्से। भारत के साथ मजबूत अमेरिकी रिश्तों की पैरोकार हैं हिलरी, विदेश मंत्री रहते 2009 में की थी इंडो US स्ट्रेटेजिक डायलॉग की शुरुआत।